हेलो फ्रेंड, किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई आटा से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ आटा को ले लिया है, इसे रोटी के आकार में बेल लेंगे और थोड़ा इसे बड़ा ही बेलेंगे। उसके बाद देखिए, इस पर हमने लगा दिया है फ्रेंड चोखा, और आप चाहे तो इस पर टमाटो सॉस, ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो देखिए, हमने लगा कर दोनों तरफ से इसका देखिए फोल्ड मोड़ देते हैं। उसके बाद इसको और एक बार अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको देखिए साइड वाला भाग को निकाल कर कट कर देंगे। और उसके बाद एक एक मन चाहे देखिए थोड़ा बड़ा या छोटा अपने आकार से इसे कट कर लीजिए। और देखिए सारे को हमने यहाँ पे कट करके रख दिया है फ्रेंड। और चलिए देखिए कितना हम अच्छा तरीका से इसको कट किए हैं, आप चाहे तो अपने आकार से कट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसके लिए हमने यहाँ पे आटा लिया है। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया, उसके बाद हल्दी पाउडर और इसको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्का हल्का पानी डालकर इसका देखिए हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से घोल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको देखिए। और 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और देखिए सेट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, तो चलिए फटाफट से इसी में हम डुबा कर अच्छी तरीके से इसको तलेंगे। एक एक करके अच्छी तरीके से डालकर इसको तल कर आप लोग को दिखाते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप लोग इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हाँ, देखिए इसको हम एक एक करके डाल दिए और इसको 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से तलेंगे। तो इसको पलटते हुए तलिएगा ताकि दोनों तरह से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए बची हुई आटा से कितना टेस्ट, देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है सारे को, और सारे को देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से तलेंगे। तो एक एक चलिए हम इसको रेडनेस कलर आने पर इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पलट लेते हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक और तलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर कितना अच्छा तरीके से चेंज हो रहा है, और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में बहुत ही आसान। बच्चे बड़े सबको बनाकर खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो गया बची हुई आटा से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और हाँ, चलिए फटाफट से आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए बन के तैयार हो गया हमारा नाश्ता। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही ईजी आसान रेसिपी देखने के लिए किचन रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा फ्रेंड। और बिल्कुल टेस्टी और यम्मी बनके तैयार है, बारिश के मौसम में इसे बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। बच्चे बड़े सबको बनाकर खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। और आप लोग को तोड़कर भी दिखाते हैं, देखिए कितना टेस्टी बना है फ्रेंड। तो एक बार इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।